Zombie Apocalypse. सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल एसके गेमिंग जोन। सो गाइस आज के इस वाली वीडियो के अंदर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपने फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले कुछ बिल्कुल न्यू इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में। जैसे कि इस वाली वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि भाई अपने रेड क्रिमिनल बंडल के अलावा जो बाकी के क्रिमिनल बंडल है, जैसे अपना ब्लू क्रिमिनल, येलो क्रिमिनल, पर्पल क्रिमिनल, ये सारे बंडल रिटर्न कब आएंगे और कौन से इवेंट के अंदर आएंगे। इसके अलावा इस गेम के अंदर अगली कौन सी न्यू ईवो गन आने वाली है वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो एकदम छोटी सी होगी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो भाई सबसे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि यार हम आपके लिए अपने फ्री फायर गेम से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली लेके आते रहते हैं। तो जरूर से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस यार देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई अगली ईवो गन कौन सी आएगी। तो देखो यार यहाँ पे है ना ईवो गन सभी बहुत सारी आने वाली है, जैसे कि ईवो M4A1 आने वाली है, इसके अलावा ईवो AN94 भी आने वाली है। तो देखो यार यहाँ पे जो अपनी ईवो M4A1 थी उसकी लीक्स बहुत पहले ही आ गई थी, लेकिन यार M1887 उसके बहुत बाद में आई उसकी लीक्स, मतलब M1887 की लीक्स बहुत ही ज्यादा बाद में चल के आई। बट यार अभी तक ईवो M4A1 नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ईवो M1887 आ गई। तो गाइस देखो मेरे हिसाब से पहले ईवो M4A1 अभी गेम के अंदर आनी चाहिए, उसके बाद ईवो AN94 आएगी। बाकी ईवो AN94 की अभी तक फुल इमेज भी निकल के नहीं आई है, लेकिन ईवो M4A1 बहुत पहले से ही आ चुकी थी, एकदम पूरी उसकी वीडियो भी आ चुकी है, वो एकदम रेडी है, बस गरेना वालों का जब मन हुआ वो लोग गेम के अंदर एकदम से टपका देंगे। बाकी गाइज आप लोग क्या चाहते हो, कौन सी ईवो गन पहले आनी चाहिए, कमेंट करके जरूर से बताना। इसके बाद गाइज अब बात कर लेते हैं भाई अपने बाकी के क्रिमिनल बंडल्स के रिटर्न के बारे में, एंड ये इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है। बहुत सारे बंदे गाइज कमेंट कर रहे थे जब से रेड क्रिमिनल और अपना न्यू वाला क्रिमिनल बंडल आया है गेम के अंदर, उसके बाद से ही बहुत सारे बंदों का कमेंट आ रहा था कि भाई यहाँ पे अपना रेड क्रिमिनल तो रिटर्न के अंदर आ गया जो कि सबसे ज्यादा रेयर था। तो अभी तो रेड क्रिमिनल इतना ज्यादा रेयर नहीं रहेगा, लेकिन अभी कौन कौन से क्रिमिनल बंडल ऐसे हैं जो अभी तक इंडियन सर्वर के अंदर नहीं आए हैं। तो देखो यार पर्पल क्रिमिनल मेरे हिसाब से अभी एक ऐसा क्रिमिनल बंडल है जो कि सबसे कम बंदों के पास है, क्योंकि बहुत बंदों के पास ब्लू क्रिमिनल भी है, बहुत बंदों के पास येलो क्रिमिनल भी है। पर्पल क्रिमिनल मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा रेयर बंडल है, अगर कोई भी क्रिमिनल बंडल की बात करें तो। लेकिन यार आप लोग को बता दूं कि भाई जो बंदे सोच रहे हैं भाई मेरे पास तो ब्लू क्रिमिनल है या पर्पल क्रिमिनल है ये तो रेयर है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि देखो बाकी के सारे सर्वर्स के ऊपर यहाँ पे है ना जो अपने बाकी के क्रिमिनल बंडल्स थे, जैसे अपना ब्लू क्रिमिनल, येलो क्रिमिनल, पर्पल क्रिमिनल, वो भी रिटर्न के अंदर आ गए थे, खास करके पाकिस्तान सर्वर, इंडोनेशिया सर्वर, ये 2-3 सर्वर के ऊपर। तो भाई टोकन एक्सचेंज के बदले में भी ये बंडल दिए जा रहे हैं, मतलब यार स्पिन करके बस टोकन निकालो, उन टोकन के बदले में आप एक्सचेंज कर सकते हो अगर आपको स्पिन करके नहीं निकलता तो। इसके अलावा भाई बात करें ग्रीन क्रिमिनल की, तो देखो ग्रीन क्रिमिनल पहले भी एक बार रिटर्न में आ चुका है, लेकिन अभी के टाइम पे बात करें तो भाई आज के दिन ये ब्राजील सर्वर के ऊपर एक बार फिर से रिटर्न में आया है, मतलब यार दूसरी बार ये रिटर्न के अंदर आया है ब्राजील सर्वर के अंदर। तो पहले जिस टाइप की स्पिन इवेंट के अंदर आया था ग्रीन क्रिमिनल, वैसे सेम इवेंट के अंदर अभी दोबारा से आया है ब्राजील सर्वर के ऊपर, एंड जो बाकी के जो भी क्रिमिनल बंडल है हर सर्वर के ऊपर यहाँ पे रिटर्न में आ चुके हैं, सिर्फ इंडियन सर्वर बचा है, एंड मेरे हिसाब से आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर आपको बाकी के क्रिमिनल बंडल भी रिटर्न के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस अभी के टाइम पे जो करेना वालों की हालत है वो देख के तो भाई कुछ भी नहीं बोल सकते, वो देख के तो भाई अभी अगर एकदम से कल के दिन अगर हिप हॉप बंडल या सकुरा बंडल भी अगर रिटर्न के अंदर आ गए तो भाई उसमें कोई शोक ढोने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि गरेना की हालत इंडियन सर्वर के अंदर काफी ज्यादा टाइट है। एक टाइम पे सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था इंडियन सर्वर फ्री फायर के लिए, बट अभी के टाइम पे आधे से ज्यादा प्लेयर गेम को छोड़ के जा चुके हैं, और मतलब बंदों का आजकल मन नहीं करता पता नहीं क्यों, लेकिन अभी के टाइम पे इंडियन सर्वर के अंदर फ्री फायर का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। फ्री फायर बैन होने के बाद भाई बंदों ने टॉप अप करना ही बंद कर दिया है। मैं खुद पर्सनली मेरी बात करूं तो भाई मैंने भी फ्री फायर बैन होने के बाद 1 रुपए का भी टॉप अप नहीं किया गेम के अंदर। बाकी गाइज आप लोग गेम के अंदर टॉप अप करते हो कि नहीं करते हो कमेंट करके जरूर से बताना। एंड गाइज यहाँ पे फ्री फायर वालों ने जो इंडिपेंडेंस डे का इवेंट नहीं दिया गेम के अंदर, उसकी वजह से भी अभी काफी लोग गेम को बायकॉट करने के लिए बात कर रहे हैं। पर्सनली मेरा भी मानना है कि अगर भाई इवेंट नहीं देना था तो भाई कम से कम गेम के अंदर एक पोस्टर दे देते, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर देते तो थोड़ा सा अच्छा लगता। तो बस गाइस यार आज की इस वाली वीडियो के लिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। इस वाली वीडियो का लाइक मिलेगा सिर्फ 2K लाइक्स का, आई होप कि आप लोग 2000 लाइक्स कंप्लीट करवा दोगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे सेट कर दो। बाकी चलो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Tell me that you love me, even if it's fake.